हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एंट्रविन सॉल्यूशन जिसमें हम आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला फॉर फ्लू कैलकुलेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू द क्रिस्टेलॉइड और द कोलाइडल सोल्यूशन क्रिस्टेलॉइड सोल्यूशन कम्पोस्ट ऑफ वॉटर और द स्मॉल सॉल्यूट स्मॉल सॉल्यूट जैसे की इलेक्ट्रोलाइट वगैरह से ये बना होता है जैसे ग्लूकोज है और इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो इड सोल्यूशन मेनली किससे बना होता है वाटर और सोल्यूट मॉलिक्यूल जो की वॉटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेक्स्ट है कोलोइट सोल्यूशन लार्जर मॉलिक्यूल से बना होता है जैसे कि proteins, और ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं इन सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर्ड होल ब्लड और एल्ब्यूमिन में तो मेनली सोल्यूशन इज डिडेड टू टू क्रिस्टेलाइड सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन क्रिस्टेलॉइड कंटेन वॉटर और सोल्युबल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वेयर आर एस कोलाइडल सोल्यूशन कंटेन larger insoluble मॉलिक्यूल्स फिर नेक्स्ट है ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी तो ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर वन लीटर ऑफ सॉल्वेंट तो इसमें वन लीटर सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट पार्टिकल है वो हम जब स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी अगर दूसरी तरफ हम ऑस्मोलैलिटी की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट तो इसमें हम वन के जी ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट पार्टिकल है वो स्टडी करें तो जो नॉर्मल रेंज है ऑस्मोलैलिटी की दैट इज 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम क्रिस्टेलर सॉल्यूशन में हम स्टडी करेंगे आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो फर्स्ट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर होती है इट इज हैविंग द सिमिलर कंसंट्रेशन एज़ दैट ऑफ द प्लाज्मा ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इस टाइप के फ्लूइड का यूज हम कब करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट कंडीशन में अगर हाइपोवोलिमिया हो जाए बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए तो फ्लूइड uh, लॉस को कंपेंसेट करने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज करते हैं बट अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज हो जाए तो उसकी वजह से पर्सन को हाइपर भी हो सकता है फिर नेक्स्ट है इसी में दिया गया है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को पर्सन को इन्फ्यूज करेंगे तो देयर विल बी नो शिफ्ट बिटवीन द इंट्रा सेलर फ्लूड और द एक्सट्रा सेलर बिकॉज इसकी कंसेंट्रेशन प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन के बराबर है तो सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलरली जो फ्लूड की कंसेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी जिस वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी फ्लूड की इंट्रा सेलर और एक्स्ट्रा सेलर के बीच में तो उसके बाद एग्जाम्पल है जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है इट इंक्लूड नॉर्मल सेलाइन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट रिंगर लैक्टेट एक्सट्रोस 5% परसेंट तो इनके यूजेस भी हम वन बाय स्टडी करेंगे तो 0.9% परसेंट जो नॉर्मल है इट इज यूज फॉर फ्लू माइल्ड हाइपो नेट्रीमिया एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो जो नॉर्मल सेलाइन है नाइन जीरो पॉइंट इट इज द फ्लूड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज दिस इज द ओनली फ्लूड विच इज कम्पैटिबल विद

क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं जिस वजह से रिंगर लैक्टेट इज नॉट यूज इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनलीस नेिस एंड बर्न के कंडीशन में तो इट इज अ फ्लूड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ बर्न ड्रामा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो वैसे ही पीएच क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है पीएच डिक्रीज होगा या एसिडीमिया हो जाएगा बॉडी में बट इसमें जो लैक्टेट प्रेजेंट होता है इट इज नॉट लैक्टिक एसिड नहीं होता है दिस लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू द बाय कार्बोनेट इन द लीवर ये सिंपल लैक्टेट होता है विच इज कन्वर्टेड टू द बाई इन द लीवर सो इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिंगर लैक्टेट इज गीवन दिस इज नॉट अ लैक्टिक एसिड ये नहीं है जो ये इसमें लैक्टेट है इट इज नॉट द लैक्टिक एसिड ऑफन यूज ड्यूरिंग द सर्जरी में भी रिंगर लेक्टेट यूज होता है आफ्टर दैट थर्ड एग्जाम्पल इज फाइव परसेंट इन कर सकते हैं प्रोवाइड फ्री वॉटर टू हेल्प रीनल एक्सक्रेशन ऑफ द सोल्यूट हाइपरनेट्रीमिया और सम डेक्सट्रो सप्लीमेंटेशन

कम हो तो आ, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इन्फ्यूज करेंगे तो देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेसिज इन टू द विल लीड टू द दैरिब्रलिम इसमें भी दिया गया है जैसे कि दिस इम्बेलेंस कॉज ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट इन द इंट्रासेलुलर स्पेसिस जब इंट्रासेलुलर स्पेसिस में मूवमेंट हो गई तो सेल क्या हो जाएगा स्वेल हो जाएगा

इंट्रा क्या है सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ये जो सर्कल से दिखाए गए हैं दिज आर द सॉल्यूट और जो रेस्ट ऑफ द ये बच गया पार्ट इट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट तो देयर इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम

करते हैं तो पर्सन को हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोटेंशन, सेल्ब्रल और दिमाग के लिए मॉनिटर करना है। तो इसमें जो एग्जांपल आएंगे डेट इस 0.45 परसेंट नॉर्मल सेलाइन और 0.225 परसेंट नॉर्मल सेलाइन। आफ्टर दैट इट्स यूज्ड जो 0.45 परसेंट सोडियम क्लोराइड है, इट इज यूज टू ट्रीट द इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन के लिए मेन लिए यूज होता है ना क्योंकि इसमें फ्लूड शिफ्ट कर रहा है इंट्रा सेलुलर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलरली वो शिफ्ट कर रहा है तो इसको हम मेनली कहाँ यूज कर सकते हैं इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या तो हाइपर न्यूट्रीमिया की कंडीशन में एंड टू प्रोवाइड फ्लूड फॉर रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्यूट्स और रीनल की किडनी से ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट नेक्स्ट है

इंट्रा सेलुलर स्पेसिस से इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में मूव करेगा सो देयर विल बी चांसेस ऑफ हाइपर वॉलीमिया सचेस्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए चेक कर सकते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एडिशनली इफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन विद सोडियम आर गिवन द पेशेंट सीरम सोडियम लेवल भी उस टाइम पे मॉनिटर करना है तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि जब भी हाइपरटोनिक फ्लूड को एडमिनिस्टर करेंगे इसमें सोल्यूड की कंसेंट्रेशन क्या है इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में ज्यादा है ठीक है जैसे कि ये क्या है इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस का बताया है और इंट्रावेस्कुलर में तो सॉल्यूट की सेलुलर स्पेसिस से इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में मूव करेगा जिसकी वजह से हाइपर वॉल्यूमिया होने के चांसेस हो जाएंगे फिर उसके बाद है इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंक्लूड डेक्सट्रोज टेन परसेंट इन वॉटर थ्री परसेंट नॉर्मल सिलाइन

तो फॉर्मूला पर आर कैलकुलेशन की पर आर में एक घंटे में कितना फ्लूड जाएगा पर्सन को तो अगर वो कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाय टोटल इन्फ्यूजन टाइम कि अगर 1500 एमएल हमने फ्लूड इन्फ्यूज करना है 5 आवर्स में तो फाइव थ्री सा पर आर कितना फ्लूड जाएगा थ्री हंड्रेड तो दिस इज द पर आर कैलकुलेशन और अगर हमने ड्रॉप्स पर मिनट देखनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इन एम एल डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर देन नेक्स्ट इज ड्रिप चैम्बर तो उसमें हम मैक्रोड्रिप चैम्बर होता है और एक माइक्रोड्रिप चैम्बर होता है डिलीवर तो कर रही है तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो कितना हो सकता है किसी में फिफ्टीन होगा किसी में एटीन होगा किसी में ड्रॉप फैक्टर ट्वेंटी होगा आफ्टर दैट द माइक्रो ड्रिप चैम्बर जो माइक्रो ड्रिप चैम्बर होता है उसमें एक वर्टिकल मेटल पीस होता है जिसको स्टीलेट बोलते हैं और ये ड्रॉप्स की फॉर्मेशन में करता है। तो उसमें जो ड्रॉप्स डिलीवर होंगे और इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ड्रिप चैम्बर आर यूज फ्लूड एट स्लो रेट की अगर फ्लूड लेस देन फिफ्टी एम एल पर आवर स्लो रेट से फ्लो करना है तो उस कंडीशन में माइक्रो मै ड्रिप चैम्बर का यूज करते हैं और ये मेनली पीडियाट्रिक के केसेस के में ज्यादा यूज होता है ये कोई ऐसी मेडिकेशन जिसको टाइट्रेशन की जरूरत है और स्लो इन्फ्यूजन की जरूरत है उस कंडीशन में ये यूज होगा जैसे कि आइनोड्रॉप जो होते हैं उनको स्लो इन्फ्यूजन करते हैं तो वैसे कंडीशन में माइक्रो मै ड्रिप सेट का यूज होता है और इसमें जो पर एमएल ड्रॉप होती है दे आर सिक्सटी ड्रॉप्स पर एमएल और इन केस ऑफ मैक्रो ड्रिप चैम्बर फिफ्टी टू ट्वेंटी ड्रॉप्स पर एमएल उसमें होती है फिर इसमें एग्जाम्पल है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड इज क्रिस्टलॉइड प्लाज्मा कोलाइड और ऑल ऑफ द अबव तो इसमें से जो मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो यूज होता है दे आर आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विच कम्स अंडर द क्रिस्टलॉइड फ्लूइड द नेक्स्ट इज द क्रिस्टलॉइड आर क्लासिफाइड एज आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी ऑल ऑफ द अबव

सोल्यूशन की अगर पर्सन को सेरिब्रल अडीमा है तो कौन सा सॉल्यूशन उसको इन्फ्यूज करेंगे देन थ्री परसेंट सेलाइन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट नॉर्मल सेलाइन, लैक्टेटेड रिंगर ये 0.225% नॉर्मल सलाइन तो इसका जो सही आंसर है दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो इसमें से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है 3% सलाइन देन नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ फ्लूड वुड अ पेशेंट विद सीवियर हाइपोनेट्रेमिया मोस्ट लाइकली बी स्टार्टेड ऑन तो ये हमने अभी पढ़ा है कि हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन में कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन नेक्स्ट इज द कि अगर 1500 और और उसका जो drop factor है that is 15 drops per minute, तो कितना कितना होगा और per minute drop rate कितना होगा वो हमने इसमें कैलकुलेट करना है तो इसमें जब हम पर आर फ्लो निकालेंगे ml में, तो इट इंक्लूड 1500 हंड्रेड एम एल डिवाइडेड बाय सिक्स आवर्स तो जिसका आंसर कितना आएगा 250 फिफ्टी पर आर और जब हमने ड्रॉप रेट के हिसाब से निकालना है तो उसमें आ जाएगा टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर तो ड्रॉप फैक्टर है 15 वॉल्यूम है 1500 ml और टाइम है 6 आवर्स तो हमने मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है 6 60 बिकॉज़ 1 आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं तो 6 60 तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज 62.4 ड्रॉप्स पर तो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ व्यू से भी सो थैंक यू फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक